अब मैं आमंत्रण करना चाहूंगा एक ऐसी हस्ती का जो कि महाविद्यालय में अपनी एक छाप छोड़ गई है, मैं इनवाइट करना चाहूंगा पंकज घोष सर का। अपने पुरखों की विरासत संभालो वरना आपकी बारिश में ये दीवार फैस जाए। हौसले पता की बुनियाद हुआ करते हैं। अभी ठाकुर साहब की बातें मैंने सुनी, हौसले पता की बुनियाद हुआ करते हैं, यू कांपते हाथों से तलवार उठाया न करो। मेरा सिर्फ इतना कहना है, यहां उपस्थित आज छात्र संसद में सारे लोगों से, कि अपना जो कॉलेज है डिजिटल इंडिया बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी दिशा में हमारा देश जा रहा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इस पर बहुत सारे लोगों के विचार सुन लिए। पर भैया हम लोग क्या है, छोटे मोटे कॉलेज के नहीं है, अपन लोग बहुत बढ़िया कॉलेज के, बहुत नामी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से यह अनुरोध है कि भैया पहले अपना घर बचाओ, खुद को बचा लो, अपने घर को बचा लो, तब जबलपुर को बचाओगे, राष्ट्र को बचाओगे। अगर आप ही सुरक्षित नहीं हो, अगर आप ही सुरक्षित नहीं हो तो फिर बचना और बचाना किस काम का। मेरा सिर्फ इतना कहना आ रहा है कि जो अभी मैंने छोटा सा एक टॉपिक सुना, ये अटेंडेंस का आपको मतलब मालूम है? अभी उस दिन जब मैं आया था तो ठाकुर सर यही बोल रहे थे कि यार 10% से भी कम अटेंडेंस है, और इस समय में अगर हम कल्चर की अनुमति देते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने बोला सर एक ही दिन के अटेंडेंस में क्या 365 दिन के अटेंडेंस सब क्लियर करेंगे? आपका स्टाफ नहीं पढ़ा रहा तो इसमें टीचर्स की भी जिम्मेदारी कि साल भर अगर हमारा स्टूडेंट नहीं आया, ठीक है हम मानते हैं हम गोकलपुर में खड़े थे, हम रांची में खड़े थे, ठीक है हम घूम रहे थे, पर आपका टीचर आया तो फिर आपके टीचर ने क्यों नहीं साल भर में देखा कि भैया मेरी शॉर्ट अटेंडेंस हो रही है क्लास के बच्चों की, तो उनको क्यों नहीं बुलवाया गया? मेरी फिर कुछ बच्चियों से बात हुई इस संबंध में, अपने कॉलेज की लड़कियों से, तो उन्होंने बताया, बैठी हुई है पीछे, बोले सर सिर्फ एक पीरियड अटेंड करने के लिए मैं विजयनगर से यहां आती हूँ। टीचर अच्छा पढ़ाते ही नहीं है, टीचर पढ़ाते ही नहीं है, एडोकिए है, पुराने सीनियर्स टीचर्स जो है ठीक है बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, पर जो नई वाली फैकल्टी है इनको सिर्फ अपना स्टाइपेंड बनाने से मतलब रहता है। तो मेरा मतलब यह है कि अगर थोड़ा थोड़ा सुधार आप लोग करेंगे खुद में, ई अटेंडेंस में यह हो जाएगा कि अभी अगर प्रिंसिपल सर और आपके एचओडी या फिर जो भी रहो कर हमको अपने को मिल जाता था एग्जाम देने के लिए, या फिर अपनी अटेंडेंस बढ़ जाती थी, अब यह हो जाएगा कि अगर ई अटेंडेंस शॉर्ट जाती पुराने फॉर्मेट में तो यहां से मैनेज होके जा सकती थी, पर अब जो ई अटेंडेंस आपकी होगी वो नए फॉर्मेट में अगर जाएगी तो फिर जो सिस्टम जनरेटेड प्रवेश पत्र होंगे, एडमिशन कार्ड, वो ही निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे, तो अपन घूमते ही रह जाएंगे। तो इस बारे में पहले आप लोग इंटरनेट वाले हो पहले पता कर लेना, और जब स्टूडेंट की बात है तो भैया ई अटेंडेंस अगर स्टूडेंट की हो रही है तो फिर सारे टीचर्स की भी हो जाए। और सारे टीचर्स की अटेंडेंस तो लग जाती है, सारे टीचर्स की अटेंडेंस तो लग जाएगी, तनख्वाह भी आ जाएगी, ठीक है उससे कोई मतलब नहीं, पर उस क्लास में जिस पीरियड की अटेंडेंस आप स्टूडेंट से मांग रहे हैं उसी पीरियड की अटेंडेंस उससे संबंधित टीचर की भी होनी चाहिए। तो ये जो मेरे को एक मुद्दा भी समझ आया, बाकी समस्याओं का तो अंबार हमारे समय से है, आज से 8 साल 10 साल पहले से हमने साबुन मलमल के गधे को घोड़ा बनाया था, और आपको जो घोड़ा था वो गधा भी नहीं बचा, अब वो खच्चर कर दिया आप लोगों ने। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है,
कि आप लोग बहुत बड़ी ताकत हो। इस जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में हम हॉस्टल में ही रहता था, मैं 8 नंबर हॉस्टल में, रूम नंबर 6 में। तो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर पिन भी गिरती थी तो एमपी के पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो जाते थे। किसी को कुत्ते ने काट लिया तो फेंसिंग नहीं है तो स्ट्राइक हो गई। कल पेपर देने का मूड नहीं है, लड़के सोते रह गए, पता नहीं राजद पार्टी किए क्या किए, तो बोले पेपर नहीं है तो भैया आज स्ट्राइक हो गई। तो मतलब ये सब पंचायतें होती रहती थी। तो मेरा मतलब ये है कि आप लोग अपने आप को ताकत मानो। आपके बिना अगर इस कॉलेज का अस्तित्व नहीं है, स्टूडेंट है तो ही कॉलेज चलेगा, नहीं तो टीचर एक दूसरे को नहीं पढ़ाएंगे या कर्मचारियों को नहीं बैठा के पढ़ाएंगे। आपके कारण कॉलेज का अस्तित्व है। तो आपकी जो जितनी जायज, जैसे यहाँ एक प्रिंसिपल की या टेक्निकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की या जैसे एक प्राचार्य की या फिर जो भी टीचर संबंधित स्टाफ है या एक चपरासी, सारे लोगों की जो जगह है वैसे ही एक स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, उसकी भी उतनी ही जगह है, उतना ही महत्व है। आपकी इस चलती हुई गाड़ी के एक पहिया हो इस इंजीनियरिंग कॉलेज की, और आप लोग पूरा जबलपुर बदलने की नहीं पूरा समाज बदलने की ताकत रखते हो। पर अभी तक यूनाइटेड नहीं थे आप लोग, मुझे समझ में आया आप लोग की बातों से। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जितना डिवोशन आप लोग अपने फेसबुक को देते हैं या गर्लफ्रेंड को देते हैं या इंटरनेट को देते हैं या जिस भी चीज को देते हैं, सिर्फ उतना ही डिवोशन है। नौजवानों इश्क करो, इश्क करना तुम्हारा पैदाइशी हक है, पर क्यों ना इस बार इस देश की माटी को महबूबा बना लिया जाए। वो माटी सरहद की भी हो सकती है, आपके कॉलेज की भी हो सकती है, आपके घर की भी हो सकती है। अगर जितना डिवोशन आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और पता नहीं कहां कहां देते हैं, उसमें से 10% का डिवोशन भी आपने अगर अपनी मातृभूमि के कर लिया, तो अपनी मातृभूमि को बदलने के लिए किसी के आगे हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप में खुद इतनी ताकत। मेरे को दुख होता है, मेरे को दुख होता है कि हम जहां छोड़ के गए थे आसमान में बैठा के, कॉलेज को आसमान में बैठा के छोड़ के गए थे। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों को जबलपुर में हाथ लगाना तो दूर क्या नजर उठा के नहीं देखते थे। राजू सर बैठे, क्यों गुरु जी बताओ, बीएचयू बनारस से हम लोग 5 साल के चैंपियन ऑफ चैंपियनशिप उठा के लाए ऑल इंडिया क्रिकेट में, फुटबॉल में, हर गेम में। सर बैठे थे, 250 बच्चे जाते थे अपने कॉलेज की स्पोर्ट्स एक्टिविटी के नाम पे। सर बैठे हैं, ट्रॉफियां दिखा देंगे, कैप्टन भले ही हम रहते थे, एम्पायर भी सर रहते थे, पर गेम वही थे वहां जो थे एम्पायर भी पूरे IIT BHU बॉम्बे फाइनल, मतलब सब कुछ, मतलब पूरा IIT और लेवल पे होता था। पर जुगाड़ तो इंडियन है और जबलपुर की माटी के अपन सपूत है, तो हम लोग सब कर लेते। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यार कुछ ऐसा नहीं लगता कि रुका हुआ सा है यहाँ पे जबलपुर, अपने कॉलेज के अंदर बोलूं नहीं तो सपना उतरता था मैं अपनी बुलेट से, तो मेरे को एक अलग सी खुशबू आती थी यार मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ। अब ऐसी यहाँ से गुजर भी जाओ कई बार तो ऐसी कोई खुशबू ही नहीं आती कि इंजीनियरिंग कॉलेज महक रहा हूँ, कुछ ऐसा कुछ समझ ही नहीं आता। मतलब एक बेजान से लोग, मतलब जिनमें जान नहीं, जिनको कुछ नहीं, मतलब एक अगर जवान हो वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं है। तो आप लोग अगर कुछ कर सकते हो तो अपने आप के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कि हाँ हम स्कूल से कॉलेज में आ गए, हम बड़े हो गए हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा कुछ काम करो, ऐसा कुछ काम करो कि आपको लगे हाँ यार कॉलेज लाइफ हमने भी जी है। बहुत सुना पंकज सर फलाने सर ढिकाने सर, पहले हमने क्या किया है, कल को अपने बच्चों को बताने के लिए कोई कहानी तो होना आपके पास 10 साल बाद कि यार मैं कॉलेज जा रहा हूँ। आज मेरे से पूछ रहे थे मेरे घर वाले की काहे को जा रहे हो, मैं यार कुछ नहीं, बस घूम करके आते हैं। तो मेरा मतलब यह कि एक बार वापस अपने इंजीनियरिंग कॉलेज को आप लोग जिंदा करो, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में। उसके लिए आपको अगर घूमने जाना है, आपके कल्चरल ट्रिप होते हैं, और अगर ये आपके स्पोर्ट्स ट्रिप होते हैं, आप राजेंद्र सर से मिले वो आपको लेके जाएंगे, सारे इवेंट होते हैं, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, कैरम,
हर साल होता है ऑल इंडिया बेस पे, आप लोग जाते क्यों नहीं मेरे कॉलेज के खर्चे पे? तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जहां देखो वहां अव्यवस्था। आप लोग बहुत बढ़िया बात है, मैं आज आया, मेरे दिल में जो आया वो मैंने कह दिया। बात इतनी सी हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और हमने सींचा है जिस तिरंगे को अपना लहू दे देकर, उस तिरंगे की लाज बचाए रखना। आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे, आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे, और चर्चे हमारे मरने के बाद रहेंगे। हम छाया पे हैं, जमाने के काम आएंगे, और सूख भी गए पगले तो तुम्हें जलाने के काम आएंगे। अपने दम पे चलते हैं। हम कमिटमेंट लेना चाहूंगा तुम लोगों से कि खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कॉलेज के लिए और आपके हित के लिए, अगर कभी कुछ भी करने की जरूरत पड़े इस मातृभूमि के लिए, कुछ भी करने के लिए जरूरत पड़े उसकी हिफाजत के लिए, तो आप हर वो कदम उठाने के लिए तैयार रहना, अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए और मातृभूमि के लिए। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है, इसीलिए आप पहले अपने आप को बचाओ, पहले खड़े हो। जैसे बच्चा चलना सीखता है ना, तो आप लोग को ट्रेनिंग की जरूरत है। तो आप लोग, मतलब अभी तक मुझे ये समझ में आया कि यूनाइटेड नहीं है, तो आप लोग सिर्फ इतना सा करो कि आपस में चर्चा करो, अब कहां क्या गलत है, कहां क्या गलत है, कहां क्या गलत है, और उन सबको मिला मुरू को ऐसा पुलिंदा बना के मुझे दे देना। इनके तो जो जो है वो सब मानेंगे, चाहे आपके आपके हॉस्टल की हो, गर्ल्स हॉस्टल की हो, या फिर कहीं का भी मामला, आप मुझे बताना। पर मेरा सिर्फ इतना कमिटमेंट है, आज बहुत अच्छा लगा कि इस कॉलेज में, मैं तो सोचता था कि जिंदा लाशें चलती फिरती रहती हैं, पर आप समझ में आया कि यहाँ मेरे को जिंदा आदमी चाहिए जिसमें जान हो, जिसमें जान हो, मतलब कुछ करने की क्षमता हो। मेरे को भीड़ से मतलब नहीं है, मेरे साथ 50 भी रहेंगे, 10 भी रहेंगे, मैं तो जहां खड़ा रहता हूं वहां भीड़ हो जाती है, वो बात नहीं। मेरे को वो स्पार्किंग चाहिए जो मेरे कॉलेज के लड़के के, एक एक लड़के लड़की के अंदर थी, एक एक स्टूडेंट, भले ही वो इतना सा था चाहे इतना ऊंचा था, सब अपने आप में एक शख्सियत हुआ करते थे। तो मैं आपसे एक कमिटमेंट करता हूं कि आप लोगों के पीछे जब भी कोई जरूरत पड़ेगी मैं रहूंगा, और ये मत को सोचना कि आपके साथ कितने हैं, आप ये मत सोचना कि सामने वाले कितने हैं, बाकी तो अपन निपटा लेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप लोगों का, ज्यादा समय नहीं लूंगा, हो सकता है कुछ लोग बोर हो रहे हो, तो बस इतना याद रखना कि नौजवानों, इश्क करो, इश्क करना तुम्हारा पैदाइशी हक है, पर क्यों ना इस बार महबूबा अपने देश की माटी को बना लिया जाए। Now it's time to...